विश्वं सर्वं गोकुल माने यही संसार है। कि केवल संस्कृत में शब्दों का ही भेद है, ये अर्थ का भेद नहीं है। ब्रजनम ब्रजा, ब्रजति इति ब्रजा, गच्छति इति जगत। ये ब्रज और गम दोनों धातु गत्यर्थक है। संसार की पहचान क्या है कि जो सरक जाए, संसरण, जो वस्तु सरक जाए उसका नाम संसार। आप दुनिया की कोई वस्तु पकड़ के रख नहीं सकते। दादा दादी जाएंगे, नाना नानी जाएंगे, माँ बाप जाएंगे, बचपन जाएगा, जवानी जाएगी, वो हैं, काले बाल जाएंगे, दांत जाएंगे, आंख जाएगी, ये अपना दिल दिमाग जाएगा बोला। तो जो सरक जाए और पता भी न लगे कि कब सरक गया, मुट्ठी बांधे रह जाओ और निकल जाए, उसको बोलते हैं संसार। और परमात्मा किसको बोलते हैं, आत्मा किसको बोलते हैं, कि तुम छोड़ना चाहो तब भी न छूटे। ईश्वर, आत्मा, सत्य, परमार्थ वो चीज है कि तुम चाहो कि हम इसको छोड़ दें तो अपने आप को कहां छोड़ोगे, गड्ढे में डालोगे कि आले में रखोगे कि तिजोरी में बंद करोगे, अपने आप को कहां छोड़ोगे। तो सरकने वाली चीज का नाम संसार है। जो चला जाए उसको जगत कहते हैं, जिसमें गति होए। प्रजति, जो चला जाए उसका नाम ब्रज है। जो इंद्रियों से दिखाई पड़े उसका नाम गोकुल है। तो वो भगवान जो देश और काल से भी न्यारे होते हैं, वो इस संसार में भी रहते हैं, इस जगत में भी रहते हैं। बड़े कोमल हृदय के लोग होते हैं और उनके सामने मैं कभी बोल देता हूं तो उनका चेहरा भी देख लेता हूं कि कैसा हुआ बोला। एक दिन मैंने ऐसे कहा कि अगर आज ईश्वर नहीं है, मान लो आज इस समय ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर का क्या हुआ? या तो कहो कि ईश्वर कभी था ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए आज भी नहीं है। जैसे आज नहीं है वैसे पहले भी नहीं था। और या अगर था और पैदा हुआ तो मर गया, तभी तो आज नहीं होगा। अरे बाप रे, हमने ऐसा बोल के, हमारे सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, उनका मुंह देखा, अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। लेकिन आप अगर ईश्वर को आज नहीं मानते हैं तो आखिर आप क्या मानते हैं?
अच्छा, और यहां नहीं मानते हैं ईश्वर को तो कहां मानते हैं? ये प्यारी जगह नहीं है ईश्वर के लिए कि हमारा दिल प्यारा नहीं है, हमारा दिमाग प्यारा नहीं है, हम प्यारे नहीं हैं। ईश्वर कहीं दूसरी जगह ऊपर की ओर रहता है कि नीचे की ओर रहता है? तो ईश्वर यहां भी है बोला। अगर यहां नहीं है ईश्वर तो कहीं नहीं है, और अब नहीं है तो कभी नहीं है। और ये जो सब बाल बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, इनके साथ ईश्वर नहीं है तो किनके साथ है? अगर आपको ऐसा अनुभव होने लगे तो आप जसोदा मैया हो गए, आप नंद बाबा हो गए, आपके गोकुल में ईश्वर का अवतार हो गया। ये आपका जीवन ही मथुरा मंडल है, और आपकी इंद्रियों को जो दुनिया दिखाई पड़ती है यही गोकुल है, और इसमें आपको श्री कृष्ण का दर्शन होवे तो गोकुल में कृष्ण आ गया। कृष्ण के आने पर जो विघ्न आते हैं वो आपको बताते हैं, और वो जो दूर होते हैं सो भी आपको बताते हैं। न पहचानना एक विघ्न है, यही पूतना बन के आता है। और ईश्वर के सामने रहने पर भी जड़ वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना, सौंदर्य होना, ईश्वर को पीछे ढकेल देना और दूसरी छोटी छोटी चीजों को महत्व दे देना, ये सकटासुर है बोला। सकटासुर की कथा ही यही है। पूतना की भी सुनाता हूँ, सकटासुर की भी सुनाता हूँ। सकटासुर की कथा ये है कि एक लकड़ी का बना हुआ छकड़ा है, बैलगाड़ी है समझो, छोटी सी छोटी बैलगाड़ी को छकड़ा बोलते हैं। वो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी तो छोटी हो तो उसको छकड़ा बोलते हैं। गांव में ज्वार है, बाजरा है, ऐसी चीज खेत में से घर लाने के लिए, पुआल घर में लाने के लिए, और खाद गांव की बाहर खेत में ले जाने के लिए, ऐसे काम में लेते हैं, या चढ़ने के लिए भी काम में लेते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाना हुआ, स्त्रियों को पर्दा करके जाना हुआ, या कोई रोगी हुआ, बुढ़ा हुआ, तो बैठा कर पहुंचा दो। तो समझो कि गांव में एक लकड़ी का बना हुआ छकड़ा है, और उसके नीचे है भगवान, और उस छकड़े पर क्या है? बोले दूध है, दही है, घी है, सोने चांदी के बर्तन हैं, वो तो सब के सब ऊपर हैं, और उसके नीचे नन्हे से श्री कृष्ण सो रहे हैं। तो जब भगवान से अधिक महत्व अपने भोग की वस्तुओं को दिया गया तो जड़बाद हो गया हो, भगवान नीचे दब गए, सो गए, छोटे हो गए, सो गए, और ऊपर देखो तो चांदी चमक रही है, सोना चमक रहा है, चेतन पीछे हो गया और जड़ सामने हो गया। ये भगवान के दर्शन में पहचानने में एक विघ्न है ना, और इसी को सकटासुर बोलते हैं, जड़बाद, चैतन्यवाद। देखो पैसे की कीमत ज्यादा और परिश्रम की कीमत भी ज्यादा, परंतु मनुष्य की कीमत कम। आदमी मर जाए तो मर जाए, लेकिन पैसा कमाए। ये अर्थ युग है ना, अर्थ युग, धर्म युग, ये मनुष्य की कीमत कम कर देता है, और अर्थ की और अर्थोपार्जक श्रम की कीमत बढ़ा देता है। तो ईश्वर का मूल्यांकन कम होना कि वो भला किस काम आवेगा, क्या शाम को ईश्वर को खाएंगे कि पहनेंगे कि बिछावेंगे कि ईश्वर का मकान बनावेंगे, ईश्वर किस काम आवेगा? काम तो पैसा आवेगा। अब ईश्वर बेचारा छोटा हो गया,
वो छकड़े के नीचे आ गया और ऊपर घी तेल दूध हो गया, इसको बोलते हैं जड़बात। और माया, साक्षात माया लक्ष्मी का वेश धारण करके आई, प्रलोभयंतीम वनिताम ब्रजौकसाम, जिनके बीच में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है उनके मन का हरण कर रही है पूतना, और लोग पूतना को माया के रूप में पहचानते नहीं है। ये देखो, ये देखना है, माया को माया के रूप में पहचान लेना मर जाएगी। तीसरी बात क्या है, त्रिणाव्रत। त्रिणाव्रत क्या है, हम लोगों के गांव में उसका नाम है बवंडर, भला संस्कृत भाषा में उसके लिए वात्या, पवन चक्र, पांसु चक्र, वो रजस और तमस है। वो ऐसा जोर से घूमता हुआ आता है आकाश को छूता हुआ। हमको बचपन के अपने याद है, जब गर्मी के दिनों में बवंडर आने शुरू होते, वो धूल आकाश छूती है, जैसे धुआं उठता है ना, ऐसे धूल घूमती हुई उड़ती है, तो हमारे बाबा झट हमारा हाथ पकड़ के घर में ले जाते। हाँ, बोले उड़ जाओगे, जाना मत उसके पास। तो फिर पूछते कि बाबा तुम न रहो और हम पड़ जाएं उसमें तो क्या होगा, बोले तब थूक देना दूर से, तब तुम्हारे पास नहीं आवेगा, है ना। तो हमको ऐसे ऐसे मंत्र बताए थे। हमारे घर से ये जो प्राइमरी स्कूल है ना, ये कोई 1.5 मील दूर पड़ता था, तो हम वहां पढ़ने को जाते और पढ़ के फिर आते, तो रास्ते में वर्षा आ जाए तो, और वहां कोई मोटर थोड़ी मिलती है कि इक्का थोड़ी होता है, पैदल ही तो आते ना, कभी खूब वर्षा होती रास्ते में, अंधकार छा जाता, पांव फिसलता, कीचड़ हो जाती, पानी में से होके आना पड़ता। तो बाबा ने कहा कि देखो, हम मंत्र बताते हैं, जब वर्षा आवे तो बस्ते को तो डाल लेना कांख के नीचे, गले में से कांख के नीचे, और ताली बजाना और ये मंत्र बोलना, हम बताते हैं, और नाचते हुए चलना, देखना वर्षा तुम्हारे ऊपर गिरेगी ही नहीं। वर्षा गिरेगी तो वर्षा भाग जाएगी, तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगी। अरे हम लोग नाचते कूदते आते हो, हाँ, ताली बजाते हुए नाचते हुए, वर्षा होती भी तब भी पता नहीं चलता कि वर्षा हो रही है, ये लगता कि और जगह ज्यादा हो रही है, जहां हम हैं वहां कम हो रही है, ऐसा लगता है। कहो तो मंत्र बता दें आपको, लेकिन वो आपको काम तो देगा नहीं, वो बचपन का मंत्र बचपन में काम देता है, बड़ा होने पर काम नहीं देता। बच्चों के काम तो आ सकता है, पर अब भरी सभा में बता देंगे तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। बवंडर हो, बवंडर, हाँ, उसमें पड़ जाए तो उड़ जाए, सचमुच वो उड़ा के कुएं में डाल दे कि कहीं बांस के झुरमुट में डाल दे, बड़ा भारी होता है असुर होता है। तो उसमें दो चीज होती है, एक तो आंख से सूझना बंद हो जाता है, और एक आंख में धूल पड़ जाती है। तो जो धूल पड़ती है उसको रजस बोलते हैं, बोला धूल तो रज है ना, रजोगुण, और जो सूझता नहीं है उसको तमस बोलते हैं, तमस माने अंधकार। तो भगवान सामने भी होवे लेकिन अपने जीवन में रजोगुण तमोगुण ज्यादा बढ़ जाए, ये रजोगुण और तमोगुण, रजस माने धूल और तमस माने अंधकार, विक्षेप और अज्ञान, ये ईश्वर प्राप्त होवे तो उसकी प्राप्ति में भी बाधक होते हैं। अच्छा, तृणाव्रत आया, ये दुनिया के विषय तृण के समान हैं, लेकिन इनका आवर्त इतना प्रबल है कि ये जीव चैतन्य को भी उड़ा के ले जाता है। ये रजोगुण तमोगुण जो हैं, ये हैं तो तृण के समान,
लेकिन ये मनुष्य को भी उड़ा के ले जाते हैं। ये हम भूमिका के रूप में ये बात आपको सुना रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बड़े रसिक हुए। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने अपना बल दिखाया। क्या बल दिखाया? कि होठों से तो पूतना को चूस लिया है और पांव से सकटासुर को फेंक उलट दिया, फेंक दिया ऊपर, और दोनों हाथ से गला घोट के तृणावर्त को नीचे गिरा दिया। पूतना के प्राण चूस लिए, सकटासुर को उलट दिया और तृणावर्त को पत्थर पर नीचे पटक दिया। तो ये किस कृष्ण ने किया? अब आप ध्यान दो, आपने लीला तो सुनी है, आपको क्या तृणावर्त और सकटासुर और पूतना की लीला नहीं मालूम है? लीला तो आपको मालूम है। आप पहले दिन ये कोशिश मत करो कि सीधा ब्रह्मई आके हमारे कलेजे में प्रकट हो जाए। ये ऐसा है छैला, ब्रज में इसको छैला बोलते हैं, और छैला छैल चिकनिया, ये नन्हा सा बन के आता है, बामन बन के आता है और त्रिविक्रम बन के बलि की सारी संपत्ति, लोक परलोक अहंकार सब ले लेता है। तो आप अपने हृदय में इसको बालक के रूप में आने दो। पूतना ने इसको अपनी छाती से लगाया और पूतना नहीं रही, कृष्ण रह गया। आप अविद्या आपके अंदर अगर ना समझी है, अविद्या है, तो उसके पेट में भी कृष्ण को डालो, तो वो अविद्या को मिटा देगा। ये ऐसी अमृत बूटी है, ये ऐसा नीलम है, नीलम ऐसा कि इसने अविद्या को नष्ट कर दिया और स्वयं रह गया। और जो जड़बाद में भगवान ने कहा कि तुम समझते हो कि कृष्ण के ऊपर जड़, जड़ में स्वाद, जड़ में घी दूध दही, नहीं, उलट दिया। अच्छा, जसोदा मैया से कहा, क्यों माँ, हमसे ज्यादा घर का काम, घर का मोह तृणावर्त कब आया? तृणावर्त तब आया जब घर के मोह में जसोदा मैया पड़ गई, कृष्ण को छोड़ दिया अकेले और खुद घर का काम देखने चली गई। तो घर गृहस्थी का मोह तृणावर्त में है और भगवान से अधिक भोग की वस्तु की कीमत आंकना ये सकटासुर में है। और ये दुनिया जो मीठी मीठी लगती है माया, मधुर विष इसको बोलते हैं, मधुर विष, इसको पहचानना। अगर आपसे कोई दुश्मनी करता होगा ना, दुश्मनी, आपको गाली देता होगा या आपका अपमान करता होगा, तो उसको आप पहचानते होंगे, वो आपको फंसा नहीं सकता। लेकिन आपका जो दुश्मन आपसे मीठी मीठी बात करता होगा और आपकी भलाई की डींग हांकता होगा, हैं? वो आपको धोखा देगा, आप खतरे में पड़ेंगे। तो पूतना सुंदर वेश बनाए करके आई, लेकिन उसके भीतर जहर था। यही संसार का राग, ये पूतना में से निकलता है, ये संसार का राग है। जो देखने में तो सुंदर लगे, मीठा लगे और भीतर से नाश करे। अच्छा, तो तीन बात तो ये है। और आगे चल करके जब भगवान ने अपने मुंह में जसोदा मैया को विश्व दिखाया, तो वो प्रसारण है। प्रसारण माने फैलाना। देखो, भगवान ने सकटासुर को ऊपर फेंक दिया, तृणावर्त को नीचे पटक दिया,
और अपने मुंह को फैला करके उसमें मैया को संपूर्ण विश्व दिखा दिया। जसोदा मैया के हाथों बंध जाना ये दिखाना है कि भगवान अपने सेवक के वश में है, और नल कुंवर मणिग्रीव के सामने प्रकट हो जाना इसका मतलब हुआ कि भगवान सेवक के सेवक का भी कल्याण करता है। दासानुदास जिसको बोलते हैं, दासानुदास कुबेर का बेटा नल कुंवर मणिग्रीव, रुद्र का अनुचर नल कुंवर मणिग्रीव, नारद का आशीर्वाद जिसको मिला सो नल कुंवर मणिग्रीव, ये को भी ये दासानुदास। सेवा करने वाली है जसोदा मैया और सेवक के सेवक हैं नल कुंवर मणिग्रीव, उनको भी भगवान मिलते हैं। और वहां महापुरुष, ये मैं इतने आगे नहीं बढ़ूंगा, ये तो केवल ये बताने के लिए कि नल कुंवर मणिग्रीव के लिए भगवान का प्रकट होना, दासानुदास के लिए प्रकट होना, जसोदा मैया के लिए प्रकट होना अपनी साक्षात सेवा करने वाले की के हाथों से बंध जाना, और महापुरुष की अनुग्रह से भगवान का मिलना, और अपने भक्त को संपूर्ण विश्वात्मा के रूप में अपना दर्शन करा देना। भगवान को कर्ता मानना दोष है, क्यों मिट्टी खाई उन्होंने, मिट्टी खाने का अपराध किया, कैसा मानना दोष है। भगवान ने ज्यादा दूध पी लिया, कैसा मानना भी दोष है। ये देखो आपके ध्यान में बात आती होगी, जसोदा मैया ने कहा कि अरे ज्यादा दूध पीता है तो भगवान को भोक्ता मान लिया, और तूने मिट्टी खाई तो भगवान को कर्ता मान लिया। तो जब जसोदा मैया ने भगवान को भोक्ता और कर्ता माना तब भगवान ने अपना विशाल रूप दिखा करके ये बताया कि मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ। बिना अपरिच्छिन्न का ज्ञान हुए भगवान के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भ्रम जो है वो नहीं मिटेगा। ये केवल बाद तक आपके ध्यान में लीला की बात बैठ जाए इसके लिए ऐसे सुनाया। अब चलो उसी प्रसंग पर, कहा कि जहां आपको सुना रहा था, पूतना चाहती है कि मैं ईश्वर को मार डालूं और कंस के साम्राज्य को अक्षुण्ण बना दूं। माने हमारा अहंकार तो बना रहे और ईश्वर न रहे, ये पूतना की कोशिश है। इसी को अविद्या कहते हैं। मनुष्य अपनी नासमझी में देखो ये तो चाहता है कि मैं हमेशा बना रहूं, लेकिन ईश्वर रहे कि न रहे, बल्कि ईश्वर को मटिया मेट करके खुद रहना चाहता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहाँ है, बस तुम मैं तो हूं। तो ये पूतना कौन है? कंस की पोषिका है और श्री कृष्ण का नाश करने के लिए आई है, यही अविद्या का स्वरूप है। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले कि भाई इस अविद्या के साथ ईश्वर का कैसे भी संपर्क कराओ, ये बहुत बड़ी चीज है। तो श्री कृष्ण छोटा बन के आए और छोटा बन के उसकी गोद में अट गए। बाद में पूतना मर गई और कृष्ण रह गए। बोला अब देखो इसमें एक सेवा का भाव निकलता है। बहुत चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। वो कहते हैं कि पूतना राक्षसी थी। अच्छा, अब राक्षसी न हो कोई गोपी हो ये सोचो, और उसने विष लगाया हुआ था। कहा विष न लगावे, कोई बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान के लिए ले आवे, और पूतना मारने के लिए खिलाना चाहती थी, और वो प्रेम से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खिलाना चाहे। उसने अपनी छाती पर कृष्ण को लिया था विष पिलाने के लिए, और कोई अपना प्रेमामृत पिलाने के लिए श्री कृष्ण को छाती से लगा ले।
तो जब राक्षसी की मुक्ति हो सकती है, विष खिलाने वाले की मुक्ति हो सकती है, बुरी नीयत वाले की मुक्ति हो सकती है, तो यदि कोई प्रेम से श्री कृष्ण को अपने हृदय पर, और उसने तो बाहर लिया था, कोई भीतर बैठा ले, अपने हृदय में भीतर बैठा ले, तो उसका कल्याण होगा, इसमें क्या संदेह है। तो आओ बाल कृष्ण की सेवा करो, इसमें से ये निकला। देखो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि बाल कृष्ण की सेवा करो। ये बाल कृष्ण जो हैं, क्योंकि हमारा हृदय बालक है ना, नन्ना है, तो उसमें पहले बालक आते हैं, लेकिन ये हैं ऐसे विलक्षण, इनके जवान होते देर नहीं लगती। ये लोगों के सामने बच्चे रहते हैं और जब गोपियों से मिलते हैं तो जवान हो जाते हैं। हाँ, ये बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सारा है। तो ये इस तरह से बताते हैं कि ये जो पूतना है, जब इसके वक्षस्थल पर भगवान आए तो उन्होंने कहा कि शंकर जी ने तो बाहर का विष पिया था और मैं तो भीतर का विष पीऊंगा। बाहर का विष पीना पड़ा कि भीतर का विष पीना पड़ा? देखो ये हमने पहले सुना था कि कभी कभी सांप काट जाता है किसी को, तो वहां घाव करके और मुंह से उसको चूस लेते हैं, लेकिन सबको नहीं चूसना चाहिए। उसमें ये बात है कि गले में कोई खराबी ना हो, दांत में कोई खराबी ना हो। अगर दांत में कोई रोग होगा, गले में कोई रोग होगा, रक्त के साथ उस विष का संबंध हो जाएगा, तो चूसने वाले का नुकसान होगा। लेकिन अगर दांत में, गले में कोई रोग ना हो और चूस के उसको थूकता जाए, गले में ना उतरने पावे, तो सांप का जो जहर है वो खींच आता है। ये बड़े बूढ़े लोग जो हैं, वो इस विद्या को पहले जानते थे। हमने तो ऐसा सुना कि एक दिन बंबई में एक नन्हा सा बालक बीमार हुआ, बहुत छोटा था, उसको हो गया जुकाम। जुकाम में बलगम आ करके उसकी नाक में अटक गया। अब सांस नाक से न आवे, मुंह से आवे, और लड़का तो बिल्कुल बेहोश हो गया, बच्चा बेहोश हो गया। तो बुलाया गया डॉक्टर, डॉक्टर ने जांच पड़ताल की और उसने कहा कि ये तो बिना नाक का ऑपरेशन किए, नाक का ऑपरेशन किए बिना ये अवरोध दूर नहीं हो सकता, ये तो बड़ा सख्त है, जम गया है, कड़ा हो गया है, नाक का छेद बंद हो गया है। तो घर में एक वृद्धा माता थी, उसने कहा कि अच्छा डॉक्टर, तुम थोड़ी देर के लिए बच्चे को छोड़ दो, हम एक युक्ति करते हैं। यदि हमारी युक्ति से ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो तुम ऑपरेशन करना। और सबको हटा के उसने बच्चे की नाक को अपने मुंह में ले लिया और मुंह बंद करके जोर से जो सांस खींचा उसने, वृद्धा स्त्री ने, तो बच्चे की नाक में जो बलगम अटका हुआ था ना, वो उसके मुंह में आ गया, उसके मुंह में आ गया, थूक दिया और बच्चा नाक से सांस लेने लगा, स्वस्थ हो गया, ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो बाहर का जो विष है उसको दूर करना, उसको पी जाना आसान है, परंतु भीतर जो विष है वो मालूम नहीं पड़ता है। क्या आप कभी किसी का नुकसान करना चाहते हैं, किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं? अगर किसी की भी हानि करने का संकल्प आपके मन में आता है तो आप पहचान लीजिए कि आपके भीतर विष भरा हुआ है और उस विष को पीने के लिए भगवान की जरूरत है। उस विष को डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता, इंजेक्शन से उसका प्रभाव दूर नहीं होगा,
उसके लिए तो जैसे पूतना के वक्षस्थल पर बाल कृष्ण आए, वैसे आपके हृदय में बाल कृष्ण आवे और फिर आप किसी से द्वेष न करें, किसी को हानि न पहुंचाना चाहें, तो वो खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे अब कहो तो आपको इसका मनोविज्ञान बता दें। इसका मनोविज्ञान ये है कि यदि आप सचमुच किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम कहाँ रहता है? आपके दिल में रहता है। दिल माने ये जहां फुफ्फुस रहता है, जो कलेजा है, जहां धड़कन धड़कती है, इसका नाम दिल नहीं है। दिल माने जहां संस्कार रहते हैं, जहां प्यार रहता है, जहां दुख रहता है, जहां सुख रहता है, जहां भावनाएं रहती हैं, जहां वासनाएं रहती हैं, उस वस्तु का नाम दिल है। रक्त को चारों ओर पहुंचाने वाले यंत्र का नाम, मशीन का नाम दिल नहीं है। दिल वो चीज है जिसमें भावनाएं अपनी निवास करते हैं। तो आपको ये सत्य मैं सुनाता हूं, एक ही हृदय में प्रेम और द्वेष दोनों का निवास नहीं हो सकता। यानी कि एक बार प्रेम आवेगा, एक बार द्वेष आवेगा, एक बार प्रेम आवेगा, एक बार द्वेष आवेगा। वो तो ऐसे ही है कि एक बार हरियाली आई तो आग लगा दिया जल गई, तो फिर हरियाली आई तो फिर आग लगा दिया जल गई। अच्छा भाई, हमारा जिससे प्यार है उससे तो द्वेष नहीं होता है। अरे बाबा, इससे क्या मतलब? किसी के प्रति भी द्वेष होगा तो अपने हृदय में ही तो रहेगा ना। तो ये द्विष जो है ना, द्विष और विष, संस्कृत में द्विष शब्द है, द्विष उसका द्वेष बनता है, द्वेष, द्विषौ द्विषा। तो ये द्विष जो है वो विष है, ये दोनों मूर्धन्य सकार से ही हैं। ये जो द्विष है ये विष है। आपके हृदय में अगर किसी से द्वेष है तो विषय भरा हुआ है। तो आप श्री कृष्ण को जब अपने हृदय में बैठाएंगे तो आपके हृदय में प्यार जगेगा, और जब आप किसी से द्वेष करेंगे तो कृष्ण भी भूल जाएंगे और प्यार भी भाग जाएगा। तब आपको बड़ा दुख होगा कि हाय रे, इतनी देर के लिए हमारे हृदय में प्यार नहीं रहा, हमारे हृदय में मधुरता नहीं रही, हमारे हृदय में विष आ गया, द्वेष आ गया। तो जब आप कृष्ण से प्रेम करेंगे और कृष्ण को अपने हृदय में बैठाएंगे तो वो कृष्ण धीरे धीरे आपके हृदय में जो विष है उसको पी जाएगा। तो शंकर जी ने तो समुद्र मंथन से निकला हुआ जो हलाहल विष था उसको पान किया था। कलश पयोधर निर्गत मधाई बाह्यम हरेण विषमखिलम अंतर्गत महमधुना पिबेयमित्याशयात् पपौ तत्क्यम। श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हारे हृदय में विष है उसको मैं पी लेता हूं। अरे देवता लोग डरे, हाय हाय हाय, ये क्या किया, कृष्ण विष पी रहे हैं। तारक्षसीस परिचार कृतो में वेयमल्प गरलासन भीति। कृष्ण ने कहा रे, शेष की सज्जा पर हूं, सब सांपों के गुरुदेव तो वही हैं, और गरुड़ जी पर चढ़ के घूमता हूं। गरुड़ जी तो सांपों को खाए जाते हैं। गरुड़ जी पर जब विष का असर नहीं पड़ता, जब शेष जी पर विष का असर नहीं पड़ता, जब हमारे सेवक विष के प्रभाव से मुक्त हैं, भगवान के सेवक भी विष के प्रभाव से मुक्त हैं, तो मेरे ऊपर ये विष क्या प्रभाव करेगा? चिंतयन निति पपौ तद शंकम श्रीधर सही विषासन पंद्यहा। शंकर जी हमारी वंदना करते हैं, गरुड़ हमको लेके उड़ते हैं, शेष की सज्जा पर मैं शयन करता हूं। शंकर जी भी तो विषासन है ना, तो वे तो हमको हाथ जोड़ते हैं, विष हमारा क्या करेगा? गरुड़ सांपों को खाए जाते हैं, विष हमारा क्या करेगा?
इस संभृत एव पारिदः सुषमा मावहती बोधयन। जितना काला हो ना श्री कृष्ण गोरेपन का सौंदर्य प्रकट करने के लिए नहीं आए, तो कालेपन का सौंदर्य प्रकट करने के लिए आए। तो बोले कि वैसे तो हम रामावतार में भी काले ही थे, नारायण रूप में भी काले ही थे, पर कम काले थे। अब की कृष्णावतार में रामावतार से भी ज्यादा काला होना, नारायण से भी ज्यादा काला होना। तो बोले कि लेके ये विष थोड़ा भीतर कर लें तो थोड़ी कालीमा शरीर की और बढ़ जाएगी, श्रृंगार एक श्रृंगार हो जाएगा ये कालीमा। तो अब देखो वृंदावन में ऐसा बोलेंगे कि कृष्ण को अपनी कालीमा बढ़ाने का क्या शौक है। बोले कालीमा बढ़ाने का शौक ये है कि उनका श्री राधा रानी से प्रेम है। तो बोला प्रेम का इसके साथ क्या संबंध हुआ? क्या हुआ संबंध? कृष्ण ने सोचा कि हम जितने ज्यादा काला होंगे हमारी प्रिया जी उतनी ज्यादा गोरी लगेगी, तो उनकी सुंदरता बढ़ जाए हमारी तुलना में हमारी प्रिया जी के। प्रेम का स्वभाव यह है कि वो अपनी सुंदरता बढ़ाना नहीं चाहता है, वो अपने प्यारे की सुंदरता बढ़ाना चाहता है। कि ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम अपने लिए नहीं होता, प्रेम प्यारे के लिए होता है। तो श्री कृष्ण ने अपने को काला क्यों बना लिया? बोले कि लोग कहें कि कृष्ण तो काले हैं, परंतु देखो ये श्री राधा रानी कितनी सुंदरी हैं, कितनी प्यारी हैं, उनकी महिमा बढ़े इसके लिए अपने को काला बना दिया। क्या ये भी एक प्रेम की बात हुई? एक दिन कृष्ण और राधा दोनों बैठे थे तो श्री राधा रानी ने शीशा लिया और देखा, अपना मुंह देखा, काम सुंदर का मुंह देखा और पूछा कि अच्छा साची साची बताओ प्यारे कि मैं सुंदर हूं कि तुम सुंदर हो। श्याम सुंदर ने पूछा, नहीं प्यारी जी तुम बताओ, मैं सुंदर कि तुम सुंदर? तो प्रिया जी ने कहा कि श्याम सुंदर मैं तो पूर्णिमा की चांद हूं और तुम तो अमावस की अंधेरी रात हो। अब देखो श्री राधा रानी को अपने सौंदर्य का बोध, अपने सौंदर्य का बोध कैसे होगा? तो जब श्री कृष्ण काला बनेंगे तब उनको अपने सौंदर्य का बोध बनेगा। ये देखो भगवान काले गोरे बनके, एक आपको बात सुनाता हूं। हम लोग जब पहले साधना, अब तो जरा ऐसे ही हो गए, पहले साधन भजन ज्यादा करते थे, माला बहुत फेरते थे, हम 24 लाख गायत्री का जप, श्री कृष्ण मंत्र का जप करते थे। तो हमारे साथ एक हमारे मित्र भी भजन करते थे। तो एक दिन स्वामी जी महाराज ने पूछा, अभी हमारे साथियों में कई हैं ना, एक वृंदावन में चंद्रशेखर आश्रम दंडी स्वामी रहते हैं, अत्यंत वृद्ध हैं, वो हमारे साथ वो भी भजन करते थे, ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह थे। तो पूछा स्वामी जी ने कि भाई तुम लोग जब आंख बंद करके बैठते हो तो क्या दिखता है? तो किसी ने कहा हमको ज्योति दिखती है, किसी ने कहा हमको भगवान की मूर्ति दिखती है। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा बाबा हमको तो कुछ नहीं दिखता, बस जैसे तवे पर रोटी बनाते हैं ना, तो अब ये मत समझना कि गैस पर है ना, हाँ कि बिजली पर, ऐसे नहीं है ना। वो लकड़ी जलाए के तवे पर जो रोटी गो है ना, उपले जला करके जो तवे पर रोटी बनाई जाती है ना, वो तवे की पेंदी कितनी काली रहती है आपको ध्यान में होगा। तो बोले कि मैं जब आंख बंद करके बैठता हूं तो हमको लगता है कि हमारी छाती के भीतर
कोई उलट के तवा रखा हुआ है और उसकी काली काली पेटी दिख रही है। हमको तो ध्यान में यही दिखता है। अरे महात्मा जी बोले कि अरे तुम बस समझो कि अब तुम्हारा ध्यान होने वाला है, प्रकट हो गए भगवान तुम्हारे। ये जो काला अंधेरा है ये तो भगवान ने इसलिए प्रकट किया है कि उसमें वो छिपे हुए हैं, खुद काले हैं। तो काला काला तुम्हारे दिल में रहता है तो वो छिपे रहते हैं, बस उसी में अंधेरे में तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जरा गौर से देखो उसी अंधेरे में कहीं न कहीं छिपे हुए हैं। अंधकार में ही तो ये काला कृष्ण छिपता है। तो लोगों के काले दिल में भी छिप के रह सकें, इसके लिए भगवान काले बनते हैं। हो एक दिन जमुना जी में श्री राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों जलक क्रीड़ा करने लगे, तो श्री राधा रानी ने जो डुबकी लगाई श्याम सुंदर ढूंढने लगे, तो सोने की तरह चमके महाराज। झट जाके श्याम सुंदर ने दोनों हाथ से पकड़ा और वो पानी में बैठी हुई उठा लिया। अब श्याम सुंदर ने डुबकी लगाई तो राधा रानी ढूंढे तो श्याम सुंदर मिले ही नहीं। क्यों? बोले काली जमुना और काले श्याम सुंदर दोनों का रंग मिल गया, दोनों का रंग मिल गया तो पता ही न चले। तो इसलिए श्याम सुंदर जो हैं वो अपना सौंदर्य और अपनी प्यारी जी का सौंदर्य बढ़ाने के लिए वो कालिमा बढ़ाने को विष को ग्रह करते हैं। अच्छा भाई, भगवान ने स्तनपान करते समय छूतना के स्तन को दोनों हाथ से मर्दन किया। श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं कि उसके स्तन में बहुत सारे जीव जितने अब तक उसने मारे थे ना, दूध पिला पिला के जीवों को मारा था और वो सब जीव आ करके उसके वक्षस्थल में बैठे हुए थे। तो भगवान ने दबा दबा करके और वो सोचा कि वो जो सब जीव पूतना के शरीर में हैं वो भगवान के शरीर में आ जाएं और उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। दबा दबा के दूध निकाल लिया हो। कोई कहते हैं कि देखो जिसका जो धर्म है जब वो पालन नहीं करता है तब वो दंड का पात्र हो जाता है। तो वक्षस्थल का माता के रूप में स्त्री आवे तो उसके वक्षस्थल का तो ये धर्म है कि वो अमृत पिलावे, दूध पिलावे, और जब वो माता ही जहर पिलाने वो स्तन ही जहर देने के लिए तैयार हो गया तो बोले दंड का पात्र हो गया, इसलिए भगवान उसको दंड देते हैं। वो तो जल निधि विषपानम कुर्वतः पार्वतीशात् अतिशयित अशेषान् दर्शयन् स्वीयमोजः जदुपतिरदितोषात् तद्विसंप्राप्य तस्यै जदतरगतयेदात् स्वामृतं तत्क्षणे किम्। बोले भाई शंकर जी ने समुद्र का जहां तो पी लिया लेकिन न समुद्र के प्रति कृतज्ञ हुए और न तो बदले में समुद्र को किस कुछ दिया। भगवान ने लिया तो विष लेकिन दिया अमृत। तो शंकर जी की अपेक्षा भी अपनी विशेषता बताई भगवान श्री कृष्ण ने कि हम विष देने वाले को भी अमृत देते हैं। ये प्रसंग वैष्णव लोग बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज का आकर्षण ही कृष्ण के प्रति इस बात से हुआ कि अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंवादयालुम शरणम
ब्रजेमो। ये दाम्भिक माया रूपिणी साक्षात विद्या पूतना नियत खराब मारने की और स्तन में विष लगा करके श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आई गई मारन पूतना। तुलसीदास जी ने ये पद लिख गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए मात की गति दई ताहे कृपालु जादव राय। ऐसे प्रभु को छोड़ करके ऐसे दयालु को छोड़ करके और किसका भजन करें। महात्माओं के बारे में सुनते हैं कि चोर उनकी कुटिया में चोरी करने के लिए घुसे तो उन्होंने कहा आओ हम तुम्हारे सिर पर उठा देते हैं कि चलो हम तुम्हारे घर तक पहुंचाए आते हैं। अरे भाई ये तो तुमने लिया, ये तो लिया ही नहीं है ना। ऐसे महात्मा लोग चोर के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं कि भगवान बोले जहर देने वाले को अमृत देने का। शंकर जी ने तो कुछ समुद्र को नहीं दिया पर भगवान ने कहा कि आओ पूतना को अमृत दे दें। फिर यदि हुआ कि उसके प्राण को भगवान ने अपने अंदर खींच लिया तो बड़े प्रेम की बात है। उन्होंने देखा कि पूतना के प्राण में बड़ा बल है, विष के भीतर विष के बीच में रहते हुए भी वे क्षीण नहीं होते हैं तो ये जिंदा ही रह जाएंगे। इसलिए उसके प्राणों को भी प्राण समम रोष समन्वितो पिबत तनम तदीयम प्रभु रे तदुक्त। यही मालूम पड़ता है कि भगवान के रोष ने तो विष पी लिया और स्वयं भगवान ने दूध पी लिया। तो इस तरह से ये जो पूतना है जिसका ये प्रसंग आया कि देखो भगवान की दयालुता, ये दयालुता देखो कि पूतना का भी कल्याण करते हैं। तो यदि कोई जान बूझ कर प्रेम से भगवान की सेवा करे, तन से सेवा करे, धन से सेवा करे, मन से सेवा करे, प्रेम से सेवा करे, अपने हृदय में सेवा करे, तो ये नन्हे से बालक बन करके गोद में आते हैं और फिर तो इतने महान हो जाते हैं कि अविद्या रूप पूतना का नाश हो जाता है। इसलिए बिल्कुल शंका नहीं करना। जस साक्षात अभिमर्शित हो भगवता, ये महात्मा जो है वो कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम हमारी रक्षा करो। तो उनको ऐसा लगा कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, चाचा है, वो सब तुम्हारी रक्षा करेंगे, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। तो ये महात्मा बोले हैं कि सर अपने अनुभव से भी तो कुछ सीखो। हे प्रभु अपना अनुभव तो देखो, जब पूतना तुमको उठा के ले गई तो क्या जसोदा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, क्या रोहिणी ने रक्षा की, क्या नंद बाबा ने रक्षा की, क्या किसी गोप ग्वाल ने रक्षा की। संसार का कोई भाई बंधु उस समय तुम्हारे काम नहीं आया। तो जब तुम्हारे तरीके के काम संसार के भाई बंधु नहीं आए तो हमारे काम कहाँ से आएंगे। तो जब तुम्हारी रक्षा किसी भाई बंधु ने नहीं की तो हमसे ये मत कहो कि दुनिया के किसी भाई बंधु को पुकारो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुमने जैसे अपनी रक्षा की वैसे तुम ही हमारी रक्षा भी करो। एक बात है कि जब पूतना के वक्षस्थल पर से गोपियां उठा के ले आई, तुम्हारी रक्षा उन्होंने की कैसे, इस पर जब ध्यान देते हैं। भगवस्त्वदपेक्षयापि शक्तिः तव नाम्नि प्रबलेति मन्महे त्रिजगत्कृतरक्षणस्य तेऽपि यत् त्रिजगत्कृतरक्षणस्य तेऽपि यदभूतरक्षणकारी गोकुले। प्रभु भगवान हम ऐसा समझते हैं
तुमसे भी ज्यादा ताकत तुम्हारे नाम में है, क्योंकि सबकी रक्षा तो तुम करते हो और तुम्हारी रक्षा करने के लिए गोपियों ने नाम का प्रयोग किया, तुम्हारे अंगन न्यास करण न्यास किया और अभ्यास अजोम घृमणिमा तवजान व स्वरूप, उन्होंने नाम से तुम्हारी रक्षा की। तो ये ठीक है कि जब नाम से तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो नाम से हमारी रक्षा भी हो सकती है। और ये बात है कि तुम तो स्वतंत्र हो, रक्षा करने के लिए आओ कि न आओ तुम्हारी मौज, लेकिन ये नाम तो हमारी जीभ पर रहता है, हम जब चाहेंगे तब बोल के अपनी रक्षा कर लेंगे। तो नाम बोल की बोल के रक्षा करने में तो हम स्वतंत्र हैं। अब पूतना का शरीर जब काट आ गया है, पहले शरीर मुर्दे के रूप में पड़ा, छह कोष हैं, छह कोष तक शरीर हो, भगवान ने गोकुल में नहीं गिरने दिया। जैसे लिसोड़े को दबावे तो दूर उसका जाकर के बीज गिर पड़े, ऐसे महाराज वो तो पूतना को ऐसा चूसा कि वो दूर जाके गिर, तो दूर गिरने पर इतना विशाल उसका शरीर था। गव्युति त्रयम, दो कोष की एक गव्युति होती है, तीन गव्युति उसके शरीर का परिमाण भागवत में लिखा है, माने छह कोष। तो कहते हैं अविद्या में छह कोष होते हैं, धन पुत्रादि रूप कोष एक, जिनके लिए आदमी मरने को तैयार रहता है कि हमारे स्त्री पुत्रादि बने रहें, हम भले मर जाएं, वो भी कोष है। फिर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, छह कोष ये छहों अविद्या के विलास है। तो इतना बड़ा उसका शरीर था, उसको काटा गया, काट के जलाया गया, जलाया गया तो ऐसी सुगंध निकली, कभी ऐसी सुगंध ब्रजवासियों ने सूंघी नहीं थी। तो सुगंध जो है वो तो पृथ्वी का गुण है, बोला पृथ्वी, तो इतने दिनों तक पृथ्वी का जो अंश पूतना के शरीर में था उसकी सुगंध दबी हुई थी, लेकिन जब उसका शरीर जलाया गया तो पृथ्वी ने कहा कि इसका दूध भगवान ने पिया, इसका विष भगवान ने खींचा, इसके वक्षस्थल पर पांव रख करके भगवान ने क्रीड़ा की, पदभ्याम अंगम समाक्रम्य, तो आज ये धन्य धन्य हो गई। तो उसके शरीर में जो पृथ्वी का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भूभाग था, सुगंध जो छिपा हुआ था, उसको पृथ्वी ने अपनी पवित्रता के लिए प्रकट कर दिया हो, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसको निष्कलमश, उसके धूम में सुगंधी आ गई, तो क्या आश्चर्य है। तो इन्होंने फिर अंत में एक श्लेष ले आ रखा, प्राकृत्यमालोच्य जना बदन विदम जत पूतना नाचरण प्रगल्भा। पूतना के पहले के काम को देख करके लोग ये कहें कि ये पूतना जो है वो अनाचरण प्रगल्भ है, बड़ी दुराचारिणी है। जत पूतना नाचरण प्रगल्भा, मन्ये हम इसे न जद उद्धृता स्वयं सा पूत नानाचरण प्रगल्भा। वो तो पवित्र नानाचरण में प्रगल्भ है, ये तो जन्म जन्म की पुण्यात्मा है। हाँ, वही शब्द एक ही है, वो पूतना अनाचरण प्रगल्भा, पूतनानाचरण प्रगल्भा और पूत नाना आचरण प्रगल्भा, पवित्र से पवित्र आचरण किया है जिसको भगवान ने स्वीकार किया। तो अब आपको फिर आगे की लीला